व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, एक छोटा सा टॉपिक मुझे मनी के अंदर कवर करना था, जो कि मुझे बच्चों ने बताया कि उन्हें डर लग रहा है इस टॉपिक को लेके। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको कवर कर देता हूँ। तो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ मनी है, मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक बार इन्हें देख लो कि मनी के क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं। कुछ मुझे इसमें बहुत बड़ा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला होता है मेरे पास फिएट मनी। फिएट मनी कौन सा होता है? फिएट मनी वो होता है जो किसी भी कंट्री में एक्सेप्टेबल होता है एट ऑल द स्टोर्स, एट ऑल द शॉप्स, और गवर्नमेंट ने इशू करा है। आप लीगली बाउंड हो, आप इसको मना नहीं कर सकते। मतलब जितनी भी करेंसी है हमारे यहाँ, अभी 500 का नोट, हमारे यहाँ 2000 का नोट, 1000 का नोट अभी नहीं है, तो हमारे फिएट मनी में अभी 1000 का नोट नहीं आएगा। हमारे फिएट मनी में अभी जो करेंसी इन रनिंग है, गवर्नमेंट ने इशू करा है, और आप लीगली बाउंड हो, आपको लेना ही पड़ेगा। आप किसी को ये नहीं कह सकते मैं नहीं लेता है नोट, ये तो बेकार है, ये चलता नहीं। ऐसा नहीं है। अगर कोई आपको पे कर रहा है, आप बैंक में जमा कर रहे हो, बैंक से निकाल रहे हो, वो नोट चलेगा, ठीक है। तो फिएट मनी वो मनी होता है विच इज इशूड बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। फिड्यूशरी कौन सा होता है? फिड्यूशरी होता है जो ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता, मतलब कि गवर्नमेंट ने उसको ऑर्डर नहीं करा एज अ करेंसी, वो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा। बायर और सेलर आपस में ट्रस्ट की वजह से एक दूसरे में यूज करते हैं। जैसे कोई चेक है, कोई बैंक ड्राफ्ट है, अब बैंक ड्राफ्ट हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, चेक हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन क्या चेक को करेंसी के इक्विवेलेंट मान लूं? क्या वो करेंसी गवर्नमेंट ने इशू करी है? नहीं। बायर और सेलर का आपस में ट्रस्ट है कि हाँ ठीक है, ये चेक है, ये चलेगा, पैसा आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? फिड्यूशरी मनी। तो इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ओनली बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। उसके बाद सर, फुल बॉडीड मनी कौन सा होता है? फुल बॉडीड मनी होता है जिसका मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू बराबर होता है, ठीक है। मनी वैल्यू का मतलब जितना उस पर लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक नोट है हमारे पास 500 रुपीज का, तो 500 इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसका मनी वैल्यू है। कॉमोडिटी वैल्यू मतलब इस कागज के टुकड़े का खर्चा कितना आया। सपोज ये पेपर नोट हम लोग को पड़ा 10 रुपए का, 10 रुपीज का, तो इसका जो मनी वैल्यू है वो तो है 500, और जो कॉमोडिटी वैल्यू है वो है रुपीज 10। तो अगर दोनों बराबर हो जाते हैं उसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी, ठीक है। क्रेडिट मनी कौन सा होता है? जनरली सभी मनी जो चलता है हमारी इकोनॉमी में वो क्रेडिट मनी होता है। इसका जो मनी वैल्यू है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉमोडिटी वैल्यू। देखो इस केस में भी मनी वैल्यू ज्यादा है ना, और कॉमोडिटी वैल्यू जो है वो सिर्फ 10 रुपए है। अगर मैं बात करूं कॉइन्स की, सपोज कल 500 रुपए का कॉइन आ जाए, 500 का कॉइन हो जाए, और उसका जो मेटल है उसका वैल्यू हो, लेट सपोज मैं बात करता हूं उसका जो मेटल है, पहले मनी वैल्यू ले लो, मनी वैल्यू तो है 500, और जो उसका कॉमोडिटी वैल्यू है वो मेटल 1000 रुपए का है। मतलब उसको बनाने में सरकार को 1000 रुपए लग रहे हैं, और बाजार में वो 500 का चलता है, तो लोग उसे चलाएंगे थोड़ी ना, उसको मेल्ट करेंगे, उसका मेटल बेच देंगे, लोग ये करने लगेंगे, तो ये नहीं होता, इसीलिए ये चीजें नहीं चलती। कॉमोडिटी वैल्यू हमेशा कम रहता है किससे? मनी वैल्यू से। मतलब जो उसके ऊपर वैल्यू लिखा है वो हमेशा ज्यादा रहेगा, ठीक है। मनी वैल्यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन कॉमोडिटी वैल्यू, इसी को हम लोग क्रेडिट मनी बोलते हैं। तो ये हो गया क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी में दोनों बराबर होते हैं, फिड्यूशरी जो ट्रस्ट से चलता है, और फिएट मनी जो ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट से चलता है। तो ये आपको चारों चीजें पता होनी चाहिए थी। ये मनी में बच्चे बोल रहे थे कंफ्यूजन है, तो मैंने कहा ठीक है मैं फटाफट से क्विकली आपको करा देता हूँ। तो दिस इज इट गाइस, मिलता हूँ मैं आपको कुछ और नई वीडियोस के साथ, कुछ और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा करके आना।